एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, इवनिंग का टाइम है और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी प्यारी प्यारी फिशेस के साथ। तो चलिए, यहाँ पे जो है मॉर्निंग के 4 बजे हुए हैं, बच्चे मेरे जा चुके हैं ट्यूशन। और बच्चे अगर 4 बजे ट्यूशन चले जाते हैं ना, तो उसके बाद मैं भी अपने इवनिंग के काम शुरू कर देती हूँ। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर के जितने भी काम होते हैं वो मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवनिंग के टाइम बिना बिल्कुल हमें फुर्सत नहीं मिलती। हम हाउसवाइफ्स को बहुत सारे काम निकल आते हैं, छोटे छोटे से काम होते हैं जिनको करने में काफ़ी टाइम लगता है और वो करने ना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने लगा रखी है बाहर मशीन, तो ज़्यादातर तो वैसे मैं मॉर्निंग में ही मशीन लगाती हूँ, पर कभी कभार आजकल जैसे मौसम थोड़ा धोखा दे देता है ना, तो मुझे इवनिंग टाइम भी मशीन लगानी पड़ती है। तो बाहर हो रही थी आज दिन भर बहुत तेज की बारिश, जिसकी वजह से मुझे कपड़े वॉश करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले मैंने मशीन लगा ली है और जल्दी से कपड़े मेरे वॉश हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ एक एक दिन छोड़ के मैं मशीन लगा लूँ, नहीं तो कपड़े का ना ढेर लग जाता है। यहाँ पे शाम वाली झाड़ू मैंने लगा ली है और शाम को झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता जब तक मैं शाम वाली झाड़ू ना लगाऊं, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो शाम को एक झाड़ू की ज़रूरत घर को पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे ना कुछ दिन भर खाते रहते हैं, जिसकी वजह से घर काफ़ी गंदा हो जाता है। और ये देखिए, इवनिंग टाइम में लगी हुई है बहुत अच्छी सी बारिश और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके का व्यू देखने में। तो चलिए, मौसम को एंजॉय करते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे अपने लिए एक कप चाय। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, बच्चे भी ट्यूशन गए हैं, तो बस अपने लिए मैं यहाँ पे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाऊंगी। और अगर मौसम इतना ज़्यादा अच्छा होना तो चाय पीने का मन आपका कर ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए बना ली है अदरक वाली चाय और मैं बैठ के अपनी चाय इंजॉय करूँगी। साथ में जो भी मुझे शाम को सब्जी वगैरह बनानी है मैं उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ। तो बस मैं नीचे बैठ के अपनी बालकनी को भी निहार रही थी, क्योंकि बहुत अच्छी सी बारिश हो रही थी और ऐसे मौसम में काम करने में आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है, जिससे कि आपको काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे चलिए, मैं बनाऊंगी तोरी की सब्जी। तो तोरी मैं कट कर रही हूँ और तोरी मैं बहुत सारी लेके आई थी, पर इनको बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए, आज मैंने सोचा क्यों ना इनको ही बना दिया जाए। तो तोरी की सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है मेरा तोरी की सब्जी बनाने का और टेस्ट बिल्कुल लाजवाब होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय भी लेके आई हूँ और चाय पीते पीते अपनी सब्जी को मैं जल्दी कट कर लेती हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है जैसे कि बच्चों के ट्यूशन आने से पहले ना मैं अपने ऑलमोस्ट किचन के काम निपटा लूँ, क्योंकि थोड़ा देर बच्चों को फिर पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं सब्जी वगैरह बना के रख देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ, बस जब बच्चों की पढ़ाई हो जाती है उसके बाद गर्मा गर्म रोटियाँ बना के मैं बच्चों को खिला देती हूँ। सब्जी बनाने के लिए मैंने ली है लोहे की कढ़ाई और उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में मैंने डाला है एक प्याज, बहुत ज़्यादा प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है। प्याज डालने के बाद मैंने इसमें लहसुन को थोड़ा हल्का दरदरा कूट लिया था, दरदरा कूटा हुआ लहसुन डाल दिया है और बस अब डाल देंगे इसमें तोरी। मैं इसमें टमाटर नहीं डालूंगी, तोरी की सब्जी में मैं टमाटर कभी भी नहीं डालती हूँ, तो आजकल तो महंगे भी हैं, अगर आप नहीं डालते हैं तो अच्छी बात है, आपका टमाटर का एक दाना बच जाएगा। वैसे मैं नहीं डालती हूँ, मैंने इसलिए नहीं डाला है। और बस ऊपर से डाल दिए हैं बेसिक मसाले, और बेसिक मसाले बस आपको पता ही है, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें ही डालनी है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और बस इसको फिर छोड़ देंगे पकने के लिए। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि तोरी ऑलरेडी बहुत सारा पानी छोड़ देती है। तो बस सब्जी मैंने चढ़ा दी है और इस सब्जी को चढ़ाने में बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट लगेंगे इजीली और आपकी सब्जी चढ़ जाएगी गैस पर, तड़का वगैरह लग जाएगा, बस उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इतनी देर में मेरे बर्तन रखे हुए थे ढेर सारे, जो कि दिन के वॉश करे हुए थे, इनको इनके प्लेस पर अरेंज कर देते हैं। बर्तनों को मैं वॉश करके तुरंत अरेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि उनमें पानी होता है काफ़ी सारा, तो फिर जब थोड़ा सा इनका पानी सूख जाए ना उसके बाद ही जो है मैं बर्तनों को अरेंज करती हूँ। यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से और वो मुझे कुछ दिखा रहे थे, शायद पता नहीं क्या दिखा रहे थे, और जैसे उन्होंने देखा इसने कैमरा लगा रखा है तो वो पीछे हट गए। यहाँ पे बारिश हो रही थी काफ़ी तेज, बच्चे आए ट्यूशन से और बच्चे बिना आज मेरे लेट ही आए थे, उनको 1 घंटा वेट करना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि उनके आने के टाइम पे बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी ना, तो फिर मैम का कॉल आ गया था कि मैम आप लेने मत आना अभी, बच्चे थोड़ा देर में आ जाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो मैं भी लेने नहीं गई,
तो बच्चों ने वहीं पर थोड़ी देर अपना खेला और फिर जो है बच्चे आए तुरंत करने लगे पकोड़े की डिमांड। और बच्चों मैं तो एक बार के लिए छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि मुझे जब टाइम नहीं होता है तो मैं कुछ और दे देती हूँ जो कि थोड़ा ईजी हो। और पकौड़ियाँ वगैरह बनाने में तो थोड़ा टाइम भी लगता है, पर हस्बैंड ऐसा नहीं करते हैं। बच्चों ने बोला तो वो तुरंत गए किचन में और उनको पकौड़ियाँ बना के खिलाने लगे। और इतनी देर में मैं उनको अभी स्टडी करा रही थी, क्योंकि मुझे जाना था सब्जी लेने भी, तो मैंने सोचा चलिए अपने काम में निपटा लूँ, उनको थोड़ा देर पढ़ाऊँगी भी और फिर जो है मैं चली जाऊँगी सब्जी लेने। बस पकौड़ी बच्चों को पता था बन रही है, बच्चे बार बार किचन में आके ना देख रहे थे कि डैडी पकौड़ी बना रहे हैं, बस उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। उसके बाद जी हम चले गए थे सब्जी लेने, और आज सब्जी लाने में जो मेरी हालत खराब हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊं सच में। मार्केट गए और जहाँ पे हमारी सब्जी मंडी लगती है, बरसात की वजह से इतना ज़्यादा कीचड़ हो रखा था, मतलब गिरने वाली हालत हो रही थी, इतना गंदा हाल था वहाँ का। फिर मुझे ये हो गया कि मैं क्यों आई, पर घर पे सब्जी भी कुछ नहीं थी ना, तो फिर जाना ज़रूरी था। क्योंकि जब हम ये रेड़ी वाले जो भैया आते हैं उनसे लेते हैं ना, तो उनका रेट इतना ज़्यादा हाई होता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं मार्केट से ले आऊँ, तो वहाँ पर आपको एकदम फ्रेश सब्जी भी मिल जाती है और रेट भी आपके बजट में होता है कि आप ले सको। तो देखिए सब्जी वगैरह का मेरा इतना नहीं होता है जितना होता है फ्रूट्स लाने का, बच्चे हैं घर में तो फ्रूट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो फ्रूट्स लेके आई हूँ मैं और साथ में खीरे, जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड खीरे बहुत ज़्यादा खाते हैं और बच्चे भी खा ही लेते हैं, तो खीरे वगैरह ज़रूर चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैं बस फ्रूट्स लेके आई हूँ एप्पल, जैसे कि आजकल एप्पल आ रहे हैं एकदम फ्रेश फ्रेश से और मीठे मीठे से, और साथ में कुछ सब्जियाँ, साथ में यहाँ पे भुट्टे लेके आई हूँ। और भुट्टे तो वहाँ पे ऐसे मिल रहे थे कि मतलब फ्री में ले जाओ, इतने सस्ते मिल रहे थे, तो मैं लेके आ गई खूब सारे भुट्टे, क्योंकि भुट्टे हर किसी को ही पसंद होते हैं, भले ही आप चीला बना के खा लो, भले ही आप बॉइल करके खाओ, भले ही आप भून के खा लो, चीला हर तरीके से अच्छा लगता है। यहाँ पे चलिए सब्जियों को मैंने निकाल दिया है बास्केट में, और जो जो वॉश करने की सब्जियाँ होंगी उनको मैं हाथ के हाथ वॉश करके रख दूंगी, रात भर के लिए बाहर रख दूंगी, तो सुबह तक मेरी सब्जियाँ बहुत अच्छे से सूख जाएंगी। इतनी देर में यहाँ पे मैं जो है बनाऊंगी भुट्टे, और भुट्टे मैं बॉईल करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बॉईल करे हुए भुट्टे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो मैंने भुट्टे रख लिए हैं। और पूरे पूरे भुट्टे ना मेरे कुकर में नहीं आ रहे थे, तो मैंने तोड़ के रख लिया है, बस पानी डाल दिया है। पानी हमें इतना डालना है कि हमारे सारे भुट्टों में पानी बहुत ईजिली चला जाए, एकदम रस भरे भुट्टे हमारे हों, नमक वाले। और साथ में डाल दिया है इसमें नमक, बस इसको हम लगा लेंगे 4 से 5 सीटी, बहुत अच्छे से हमारे भुट्टे भुन के तैयार हो जाएंगे। खाना मैं बना के चली गई थी, जब मैं मार्केट गई थी ना तो मैं खाना बना के चली गई थी, रोटी सब्जी सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब मैं कहीं बाहर से आती हूँ ना तो तुरंत किचन में आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो फिर मैंने सोचा चलिए अपने काम आसान करने के लिए मैं रोटी वगैरह बना के चली जाऊँ। रोटियाँ मुझे वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बनानी होती हैं, बस 5-6 रोटियाँ मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रोटियाँ नहीं खाते हैं रात को, तो बस बच्चों के लिए अपने लिए ही बनाने होते हैं। और बस काउंटर टॉप मेरा थोड़ा सा गंदा हो रखा था, क्योंकि मैं चली गई थी सब्जी लेने और फिर मैं काउंटर टॉप को साफ नहीं कर पाई, तो बस आते ही मैंने जो है सब्जियां लगाई, उसके बाद जो है मैंने काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया। डिनर हमारा पहले ही हो चुका था, सब्जियां मैंने बाद में लगाई थी। उसके बाद यहाँ पे बर्तन हो गए थे ढेर सारे, जिनको कि वॉश करके रख दूंगी। बर्तनों वगैरह आपको हाथ के हाथ अगर वॉश कर लो ना तो हमारे लिए ईजी होता है, और किचन भी हमारा साफ सुथरा रहता है, बहुत ज़्यादा मैसी हमारा किचन नहीं होता है। जो मेरी बर्तन रखने वाली बास्केट है उसमें मैंने रखे हैं भुट्टे, क्योंकि भुट्टे ढेर सारे थे, तो बस बर्तन मैंने इस तरीके से, एक टावल है ये मेरे किचन का ही टावल है, जैसे मैं सब्जियां वगैरह वॉश करती हूँ ना तो मैं इसमें फैला देती हूँ, बाकी बस अभी मैंने इसमें बर्तन रख दिए हैं, क्योंकि डायरेक्ट काउंटर टॉप में बर्तन रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो बस मैं इस तरीके से रख देती हूँ। और खीरा वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, फ्रूट्स भी वॉश कर लिए हैं सारे। फ्रूट्स ना हाथ के हाथ वॉश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे फिर मेरे ऐसे हैं उनको दिन भर फ्रूट खाने होते हैं, और अभी भी जैसे ही मैं लेके आया ना उन्होंने एक एक दो दो एप्पल खा भी लिए थे, तो फिर मैं वॉश करके रख देती हूँ, तो मुझे भी टेंशन नहीं होता मेरे बच्चे गंदे खाएंगे करके। और बस यहाँ पे देखिए इतनी देर में हमारे भुट्टे भुन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब दे देते हैं बच्चों को और बच्चों के पापा को भुट्टा खाने के लिए। इंतजार नहीं होता मेरे बच्चों से, तो बच्चों ने एसी चला दिया था, बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, बहुत ही ना बारिश तो बहुत लगी हुई है आज, पर फिर भी उमस ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो बस भुट्टे वगैरह खा रहे हैं बच्चे और हस्बैंड। मैं अपना काम निपटा लूँगी, जैसे कि गद्दे वगैरह जो भी मुझे ले जाने होते हैं, जैसे पिल्लो या फिर ओढ़ने के हमारे जो ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, तो वो
पतला वाला ब्लैंकेट हमें ओढ़ना पड़ता है क्योंकि एसी चला के थोड़ा अंदर ठंडा हो जाता है ना, तो फिर इसलिए मैं सारी चीज़ें मैंने अब उनके प्लेस पे रख दी हैं। सुबह जाना है बिट्टू को स्कूल, तो जल्दी से हम लोग अपने भुट्टे खाते हैं, फिर मैं बच्चों को जल्दी सुला दूंगी। और इसी के साथ ही अपनी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।